से नए साल का आगाज हो गया है। दुनिया 2024 में दाखिल हो गई है, सब जश्न में डूबे हैं, लेकिन चीन के तानाशाह के माथे पर आज शिकन है, चिंता की लकीरें होंगी, शायद अंदर ही अंदर कांप भी रहा हो, क्योंकि 31 दिसंबर की रात जब घड़ी की तीनों सुइयां 12 पर पहुंची, तभी से चीन के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस साल चीन तबाह होने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, चीन की ये बर्बादी लिखी है भारत के हाथों। चालबाज चीन अब एक गलती करेगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि चीन और भारत के बीच ऐसा क्या होने वाला है, अगर कुछ होने भी वाला है तो हमें कैसे पता। तो बता दें कि चीन की बर्बादी की स्क्रिप्ट कई सौ साल पहले लिखी जा चुकी है। सैकड़ों साल पहले बता दिया गया था कि भारत 2024 में चीन को बर्बाद कर देगा। चीन को लेकर क्या भविष्यवाणी हुई थी वो बताएं, उसके पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये भविष्यवाणी किसने की। दरअसल जब भविष्यवाणियों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है नास्त्रेदमस का। माना जाता है कि नास्त्रेदमस ने हिटलर के जर्मनी में बढ़ने, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत और लंदन की आग की भविष्यवाणी की थी। नास्त्रेदमस ने कई सौ साल के बाद की भविष्यवाणियां कर रखी है। 2024 के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां चिंता पैदा कर रही है। इन्हीं में से एक है चीन और भारत के युद्ध को लेकर। नास्त्रेदमस ने कहा था कि साल 2024 में महान महासागर में भय होगा, लाल शत्रु हिंद महासागर में जमकर तबाही मचाएगा, इसके बाद युद्ध शुरू होगा, लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा। कई लोग लाल शत्रु को कम्युनिस्ट चीन के तौर पर मानते हैं। चीन के पास एक विशाल नौसेना भी है और वो हिंद महासागर पर गंदी नजर भी रखता है। ऐसे में सुरक्षा जानकार कह रहे हैं कि चीन का ये युद्ध भारत से हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसमें चीन की हार निश्चित है। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने साल 2024 को लेकर कई और बड़ी भविष्यवाणियां भी की है, जैसे अमेरिका में गृह युद्ध होगा। अमेरिका इस समय पहले से ज्यादा विभाजित नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अमेरिका के सामने अस्थिरता आ सकती है। अमेरिका में बहस इस समय असंभव हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि गृह युद्ध एक असलियत बन सकता है। नास्त्रेदमस का कहना है कि धरती और भी ज्यादा गर्म होगी 2024 में, वह अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। इस साल हीट वेव और भी ज्यादा सामान्य हो जाएगी, वो मछलियों के उबलने तक की बात कहते हैं। साथ ही नास्त्रेदमस ने नए पोप की भविष्यवाणी भी की है। पोप यानी रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु, रोम के बिशप और वेटिकन के राज्याध्यक्ष को पोप कहते हैं। पोप फ्रांसिस इस समय 86 साल के हैं। हाल के दिनों में वह स्वास्थ्य समस्याओं से भी गुजर चुके हैं। नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी चिंता पैदा करने वाली है। नास्त्रेदमस भविष्यवाणी करते हैं कि एक नए युवा पोप जगह लेंगे। हालांकि वो कहते हैं कि यह एक कमजोर पोप होंगे। हालांकि कमजोर शब्द पर बहस चलती रहती है, यह कमजोर किस मायने में है इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी और इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।